मेरे पापा को कपड़े भी मैं ही ला के देती। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो इतने सीधे हैं कि एक दिन अब उनके जो चोले भी फट जाते ना कि जा दर्जी फट जा हीरा इनकम लिया क्या फ़र्क पड़े, कपड़ा ही तो पहनना है। हाँ। तो इससे चाहता तो अब सिंप्लिसिटी क्या लाऊंगी मैं। जब जयपुर जाती हूँ वो बड़े नाराज, कहीं से खादी ग्राम उद्योग अहमदाबाद से लेके आती हूँ तो उनको बड़ा होता है कि मैं क्या फ़र्क पड़े मन के जाने कोने के। तो उनका प्राउड फील होता है। मेरे को तो प्राउड इससे चाहता तो मैं खुशकिस्मत क्या होंगी उस बाप की बेटी हूँ जिनकी सेवा जन्म से ही है, ब्लड में मतलब। और इवन वो ना रोटी खाने से पहले अगर हाँ। बैठे हैं तो वो लोगों के सोचते हैं कि पहले वो खाएं फिर मैं खाऊं। उनके अगर मुझे ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती तो शायद मैं हम आज कहाँ पहुँच पाते। तो मुझे भी ये, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ। मैंने देखा भी है कई लोग इन अभाव के कारण वो अपनी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पा रहे की जो बात करें ना वो मेरे पिताजी के सामने कभी कुर्सी पे नहीं बैठा है। अच्छा। हाँ, कभी भी आज के ज़माने में अब युग में ऐसा कोई बच्चा हो सकता है क्या। सबसे बड़ी बात वो बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में जब लगा हाँ। तो किसी को ये नहीं पता था कि वो ना मंत्री जी का बेटा है। जब मेरे पापा विजिट रेवेन्यू मिनिस्टर थे हाँ। तब वो एक बार विजिट में गए बीकानेर नहर और इरीगेशन के थे नहर के लिए हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बेटे के यहाँ जाता हूँ मम्मी। तो सबने कहा साहब यहाँ कहाँ रहता है। तब है ना पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज को पता चला कि ये उनका इच्छा थी कि ज़रूरतमंद जो अभावग्रस्त बच्चे हैं पढ़ नहीं पाए तो वहाँ वो हेल्प करता था बहुत। उनको रिप्लेसमेंट दिलवाने के बाद कई लोगों को उसने कंपनियों में अपने वहाँ से जो निकले उनको रिप्लेसमेंट भी दिलवाया। उसमें हमारा बहुत पिछड़ा इलाका है रेगिस्तान का। हाँ पहले से तो बहुत फ़र्क पड़ा है। एजुकेशन में हम हमारे प्रतिभाशाली की कोई कमी नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ के खूब अगर आईपीएस और आईएएस बने हैं अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले उनको तो वो उनको यहीं से क्यों नहीं वो बन पाए। जयपुर और जो दिल्ली का तो उनका रहने का तो बहुत मुश्किल काम है। तो इस अभी मैं सही अभी थोड़े दिन पहले ही एक जना आया उन्होंने कहा कि एफर्ट तो हमारा बाड़मेर तक भी नहीं कर सकते। कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के स्वर्गीय बेटे वीरेंद्र चौधरी की याद में वीरेंद्र धाम बनाया गया है। आप देखिए करोड़ों की लागत है। दरअसल इसके पीछे उनकी बेटी की और हेमाराम जी की ये सोच है कि गांव के दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए एक आधुनिक शिक्षा की फैसिलिटी यहीं पर दी जाए और इसके लिए बाकायदा ये 86 रूम का पूरा हॉस्टल है जिसके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर और ख़ास बात क्या इस हॉस्टल की आप देखिए ये जो फैसिलिटीज़ है जो आपको इससे पहले जयपुर है अहमदाबाद है या बॉम्बे है दिल्ली जैसे इलाकों में नज़र आएगी। ये जो आप देखिए ये पूरा का पूरा जो खाने पीने के लिए जो होता है वो किचन बनाया गया है और आधुनिक किचन है। दरअसल जो रूम है मैं आपको पहले वीडियो में बताया था किस तरीके से आमतौर पर जितने भी हॉस्टल्स होते हैं उसमें बाथरूम की फैसिलिटी नहीं होती है, वो कॉमन बाथरूम होते हैं और जहां पर एक एक जो रूम होते हैं उसमें चार चार पाँच पाँच बच्चों को छोटी जगह होती है। लेकिन यहाँ आपको सब कुछ आधुनिक मिलेगा। ये देखिए ये किचन है, पूरा आधुनिक किचन बनाया गया है और इसके साथ ही जो वो हर एक फैसिलिटी जो एक जयपुर और अहमदाबाद में मिलेगी। मैडम सबसे पहले तो ये बताइए इसके पीछे क्या कुछ सोच थी, इस पीछे वीरेंद्र की बात की जा रही है, वीरेंद्र की क्या कुछ सोच थी। वीरेंद्र खुद एसोसिएट प्रोफेसर था बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसका स्टूडेंट से बहुत नज़दीकी का रिश्ता रहा। वो एक इतने बढ़िया स्टूडेंट अपने दोस्त के तरीके से पढ़ाता था। उसकी इच्छा थी कि ज़रूरतमंद जो अभावग्रस्त बच्चे हैं पढ़ नहीं पाए तो वहाँ वो हेल्प करता था बहुत। उनको रिप्लेसमेंट दिलवाने के बाद कई लोगों को उसने कंपनियों में अपने वहाँ से जो निकले उनको रिप्लेसमेंट भी दिलवाया। उसमें तो हमने उसके बाद आप हमारा ये हो गया। फिर हमने ये सोचा कि जब उसकी इच्छा थी और ये इसी फील्ड में था और मेरे पिताजी भी हमेशा से शिक्षा के प्रति ही बच्चों के पढ़ाने में जयपुर में भी उन्होंने खूब बच्चों को रखा और पढ़ाया तो उनका भी ये भावनाएँ हमेशा रही है कि जन सेवा की और किस तरह बच्चा कुछ बने। तो सारी चीज़ें परिस्थितियों के अनुसार ऐसे इकट्ठी हो गई तो उसी को देखते गए। तो हम लोगों ने ये मानस बनाया कि हम और तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कम से कम मेरे भाई की जो मन में इच्छाएँ उनको पूरी कर सकें, उसके याद को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने ये कार्य किया। तो आइडिया कैसे आया इस तरीके का हाईटेक बनाना, क्योंकि ये देखिए मैं किसी से बात कर रहा था जोधपुर में भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, एक रूम के अंदर बच्चे को क्या कुछ फैसिलिटीज़ दी गई है। देखिए आइडिया तो ये है कि हम क्यों दिखावें या फॉर्मलिटीज़ करें। अगर हम ज़रूरी नहीं है कि हम हज़ारों बच्चे रखें। अब अगर हम जितना भी हमारे पास बन पड़े तो हम उतने ही बच्चों को रखें ताकि वो बच्चा कि ध्यान एक केंद्र एक जगह ही हो, सिर्फ पढ़ाई पे। इसको ये सोचना नहीं पड़े कि भाई अब ये सुबह उठूँगा तो क्या करूँगा नहीं करूँगा। तो हमने इसी को लेके ये सोचा कि इस तरह का कार्य किया जाए ताकि बच्चे का ध्यान उसी पे रहे। ये इसलिए हमने काफ़ी जगह विज़िट की, जैसे हमने सरदार धाम और काफ़ी अहमदाबाद में कई जगह हमने 2-4 महीने तो हमें इसी में लग गए। फिर हमने सरदार धाम गए, वहाँ हमको देख के जो पटेलों का ट्रस्ट है तो वहाँ देख के हमें मोटिवेशन मिला और बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो तो अरबों रुपए का है, फिर भी हमने उस तर्ज पे अपनी जितनी कोशिश है बनाने की। यहाँ क्या कुछ कितने रूम बनाए गए हैं, और मैंने देखा डिजिटल लाइब्रेरी की प्लानिंग है भविष्य के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ा कंपटीशन का ज़माना है, बच्चा इतना पैसा एफर्ड नहीं कर पाता जयपुर दिल्ली में जाकर, उसके लिए भी कुछ हाईटेक क्लासेज हो वहाँ से जुड़ जाए, इस तरीके की प्लानिंग। देखो दिनेश जी, एफर्ड तो हमारे बाड़मेर तक भी नहीं कर सकते, अभी तक हमारा बहुत पिछड़ा इलाका है रेगिस्तान का। हाँ, पहले से तो बहुत फ़र्क पड़ा है एजुकेशन में, हमारे प्रतिभाशाली की कोई कमी नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ के खूब अगर आईपीएस और आईएएस बने हैं, अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले उनको तो वो उनको यहीं से क्यों नहीं वो बन पाए। जयपुर और जो दिल्ली का तो उनका रहने का तो बहुत मुश्किल काम। तो इस अभी मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक जना आया, उन्होंने कहा कि मैं अगर मुझे ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती तो शायद हम आज कहाँ पहुँच पाते। तो मुझे भी मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ, मैंने देखा भी है कई लोग इन अभाव के कारण वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं। तो हमें आप सभी के सहयोग, स्नेह, भावनाएं और भगवान आपकी सबके मनोबल के कारण हम ये चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ के जो प्रॉपर हमारे बच्चे हैं जिसको बहुत ज़रूरत है तो उसकी आवश्यकताएं पूरी कर वो कुछ बन में, हमें सच्ची उसकी श्रद्धांजलि हो। क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से बच्चे का एडमिशन होगा, उसके लिए गांव, किसान या ऐसा है कि पर्टिकुलर कोई जाट होगा या सब कास्ट का? ये सर समाज के लिए बना है। हाँ। और इसकी प्लानिंग का तो क्या अभी तक हमने सिर्फ इसको बनाने में अपना, क्योंकि टाइम उसी में चला गया कि हमने जगह जगह विजिट की उसको बनाने में, पर आगे का भविष्य अभी हमें अभी उसके बारे में प्लानिंग करनी है। पर जहाँ तक हमने मोटा मोटी सोचा है कि हम एक कमेटी बुद्धिजीवियों की करेंगे, उनसे सलाह मशवरा लेके, अकेला आदमी तो खैर कुछ नहीं कर सकते हैं, अलग अलग जगह हमें दिल्ली जयपुर विज़िट करेंगे और उनसे इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूट है कि किस तरह वो चलाते हैं, किस तरह वो करते हैं। आजकल तो सारा डिजिटल का मामला है सारा, उसी तरह का हम सोच रहे हैं कि अब देखो कितना कोशिश तो हमारी पूरी है। मैम आप भी क्योंकि पॉलिटिकली परिवार से हैं, आज के समय में नेताओं पर इतने आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, पापा के बारे में क्या आपने देखा है? पापा के बारे में कौन सी वो बात है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद? दिनेश जी, अभी भी मेरे पापा को कपड़े भी मैं ही ला के देती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो इतने सीधे हैं कि एक दिन अब उनके जो चोले भी फट जाते हैं ना कि जा दर्जी बट जा हीराइन कर लिया, क्या फ़र्क पड़े, कपड़ा ही तो पहनना है। हाँ। तो इससे चाहता तो अब सिंप्लिसिटी क्या लाऊंगी। मैं जब जयपुर जाती हूँ वो बड़े नाराज, कहीं से खादी ग्राम उद्योग अहमदाबाद से लेके आती हूँ तो उनको बड़ा होता है कि मैं क्या फ़र्क पड़े, मन के जाने कोने के। हाँ। तो उनका प्राउड फील होता है। मेरे को तो प्राउड इससे चाहता तो मैं खुशकिस्मत क्या होंगी, उस बाप की बेटी हूँ जिनकी सेवा बहुत जन्म से ही है, ब्लड में मतलब। और इवन वो ना रोटी खाने से पहले अगर बैठे हैं तो वो लोगों के सोचते हैं कि पहले वो खाएं फिर मैं खाऊं। उनके यहाँ स्टूडेंट बहुत रहे हैं जयपुर में। मुझे किस्सा सुना रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था कि कोई जयपुर के अंदर बाहर का ड्राइवर था तो उससे पहले पूछते थे कि भाई तूने खाना खाया या नहीं खाया। अभी भी यही है, अभी भी साहब के साथ जो भी ड्राइवर वगैरह रहते हैं पहले उनको खिलाते हैं, वो घर पर फिर वो खुद खाते हैं। और यहाँ तक कि कई स्टूडेंट मिले मुझे जयपुर में जो क्वार्टर में रह रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब मुझे हाथ से बना के, कई बार नहीं होता तो हाथ से कर लिया हूँ बाजी रोटी बनाऊँ कि तू पढ़ाई करे तो पता नहीं आप। अच्छा मैम आप माइंड मत करना, लेकिन वीरेंद्र की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत याद आती है? वीरेंद्र की इतना सरल, इतना अच्छा आदमी था, मतलब आज की तारीख में संस्कारों की जो बात करें ना, वो मेरे पिताजी के सामने कभी कुर्सी पे नहीं बैठा है। अच्छा। हाँ, कभी भी आज के ज़माने में, अब युग में ऐसा कोई बच्चा हो सकता है क्या? सबसे बड़ी बात वो बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में जब लगा। हाँ। तो किसी को ये नहीं पता था कि वो ना मंत्री जी का बेटा है। जब मेरे पापा विजिट रेवेन्यू मिनिस्टर थे। हाँ। तब वो एक बार विजिट में गए बीकानेर नहर और इरीगेशन के थे नहर के लिए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बेटे के यहाँ जाता हूँ, तो सबने कहा साहब यहाँ कहाँ रहता है? तब है ना पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज को पता चला कि ये उनका मतलब साथ की और मतलब घर इतना सिंपल सीधा सब इतना रेस्पेक्टफुल आदर इतना ज़्यादा था ना। आप देखिए ये अपने आप में राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के लिए उन नेताओं के लिए भी सबक है जिन पर भ्रष्टाचार के करोड़ों के आरोप लगते हैं। दूसरी तरफ हेमाराम चौधरी है, उनकी बेटी है, जिन्होंने अपने भाई की याद में 25 करोड़ की लागत से गरीब बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए वीरेंद्र धाम बना दिया। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।